हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप स्टिचिंग एंड फैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ लटकन। जो मैंने रेडी साड़ी बनाई थी, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत साड़ी बनी थी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको देखना हो तो। इसी पर हम लटकन बनाने वाले हैं, आप सुंदर सी लटकन बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ये मेरी साड़ी का कपड़ा है और ये जो ब्लाउज़ का कपड़ा, आप इस हिसाब से मिक्स एंड मैच करके जिस जैसी साड़ी का कलर है वैसा दूसरा कपड़ा भी हो तो वैसे ले सकते हो। और ये मेरी रेडीमेड डोरी जो मार्केट में मिलती हुई है, घर पे भी हम बना सकते हैं डोरी, क्योंकि ये कपड़ा शाइनिंग वाला था इसलिए मैंने ये वाली डोरी ली। हम घर पे भी डोरी बना सकते हैं, धागे की भी बनती है, कपड़े की भी बनती है, बहुत टाइप की बनती है। अगर आपको सीखना हो तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो ये जो हमारा कपड़ा है, ये साड़ी का कपड़ा लिया है मैंने, इसे हम फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करने से फ़ायदा ये होता है कि वो बराबर कटिंग होती है उसकी, स्क्वायर शेप में चौकोर चारों तरफ से ये बराबर कटिंग होगा। इस तरीके से कट करेंगे, इसमें से जो धागे निकलते हैं ये, इसलिए मैं इस तरह की लटकन बनाने वाली हूँ, नहीं तो इसमें फिर सिलाई लगानी पड़ती है। अब जो ये कपड़ा है हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है, इसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड करके बराबर कट कर लेंगे। पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो हमने अभी इसके पहले कट किया उससे ये थोड़ा छोटा होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। इसकी थोड़ी कटिंग ठीक से नहीं हुई तो मैं वापस से इसे कट कर लेती हूँ, और इस सबसे बड़ा, उसके बाद ये थोड़ा छोटा। अब जो हम तीसरा कपड़ा कट करने वाले हैं वो भी यही वाला कट करने वाले, तो इससे अब हमें और थोड़ा छोटा कट करना है ताकि वो दिखाई दे। तो हम इसे भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे बराबर करके। थोड़ा छोटा कट करना है हमें इससे, अच्छे से कटिंग करने के बाद जो है मैं आपको इसके ऊपर रख के दिखाती हूँ। इस तरीके से आप रख के देख सकते हैं कि ये बड़ा है, फिर ये छोटा है, फिर ये इससे छोटा है। अब हमने तीनों की जो है कटिंग कर ली है, ये बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आप और अगर तीन तरह के कपड़े यूज़ करना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं। अब जो ये हमारा ये वाला जो नेट में से मैंने कट किया था फ्लावर, इसी साइज़ से मुझे इसी टाइप का एक और फ्लावर कट कर लेना है, मुझे लटकन बनाने के लिए चाहिएगा, तो मैं उसे भी नेट नेट कट कर लूँगी फ्लावर बचा के। और उसके बाद जो अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है, अच्छे से इसमें से नेट आपको निकाल देना है ताकि दिखे ना, अच्छा नहीं लगता वो जो नेट दिखाई देता है। तो अब हमारी लटकन की कटिंग हो चुकी है, अब हम सिलने चलते हैं। अब जो हमने ये तीनों कपड़े कट किए थे उसमें हम ये इस तरीके से भी एक तरीका और है इस लटकन बनाने का, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर इसमें थोड़ी अलग में बना रही हूँ। तो हम ये कपड़ा जो है इधर उधर से धागे निकल जाते हैं इसलिए इसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद जो है ये वाला, इसे भी हम फोल्ड कर देंगे ऐसे ही, और इसके ऊपर इसको इतना जो है छोड़ के फिर रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा ये वाला कपड़ा है, इसे भी हमने इसी तरीके से फोल्ड कर देना है और इसे भी यहाँ रखना है। ये बड़ा, फिर ये थोड़ा दिखना चाहिए, फिर इसके ऊपर जो है ये वाला। अब जो है मैं इसमें पहले बीच में सिलाई लगा लेती हूँ ताकि ये खिस, मैं इसमें बीच में सिलाई लगा लेती हूँ ताकि कपड़ा इधर उधर खिसके ना। देखिए ये हमने सिलाई लगा ली, अब हम इधर भी सिलाई जो इधर से जो हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे कट कर देते हैं। जो ये हमारा बड़ा वाला जो कपड़ा उसी के बराबर रहने चाहिए सभी, इसलिए हम जो भी एक्स्ट्रा कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से, अब जो ये हमारी डोरी है इसे हमने इधर रखना है क्योंकि ये सिलने के बाद इस तरीके से सिलने के बाद इधर पलटाएगी, इसलिए आपको उस हिसाब से सेट करना होगा कि कितनी अगर हमारी लंबी लटकन है तो पहले इधर नाप लेना कि ये यहाँ तक आने वाली है यहाँ तक, उसके बाद पलट के उसे लगाना है। तो हम इसे इस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए हम यहाँ रख लेते हैं इसे, अब इसे फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देते हैं।
अब जो है हम इसे पलट देते हैं। देखिए हमने इसे जो है पलट लिया है, इस टाइप से पलटने के बाद ये दिखाई दे रही है। अब जो हमने ये दो पार्ट कटिंग की थी कपड़े में से नेट के, उन दोनों को हम ज्वाइंट कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। और जो ये वाला पार्ट है जो ये डोरी का, इसे भी हम ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ, क्योंकि ये बहुत लंबी रह गई मेरी, तो मैं यहाँ से इसे कट कर दूंगी। देखिए ये जो हमने और दो पार्ट, ये हमारी पलट के तैयार हो गई है। ये जो हमने दो पार्ट कटिंग की थी कपड़े की, उसे हम लगा देंगे यहाँ पर, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये मैंने इसमें जो है जॉइंट कर लिया है, इसके अंदर रहेगा ये इस टाइप से, आपको भी इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। तो हमारी डोरियां बन के तैयार हो गई है, इस टाइप से हमारी डोरी बन गई है। अब हम इसे ब्लाउज में अटैच कर लेते हैं। ये जो है मेरी रेडी साड़ी है, इसमें मैं जो है लटकन लगाने वाली हूँ। 2 इंच नीचे शोल्डर से, शोल्डर की सिलाई से 2 इंच नीचे हमें लटकन अटैच करनी चाहिए, डोरी को अटैच करना चाहिए। उसके बाद जो है दोनों तरफ नाप की सिलाई लगा लेनी। बहुत प्यारी लटकन बन के तैयार हुई है हमारी। इस तरीके से आप भी खूबसूरत लटकन बना सकते हैं और अपने ब्लाउज़ को और ब्यूटीफुल दिखा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।